नमस्कार दोस्तों, अगर आप डेली एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो गए हो तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं और वो भी बहुत ही कम तेल और मसालों में चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी के बॉल। बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा ये चटपटा सा नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे। इसमें एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। आप जीरा की जगह सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये काफ़ी तीखी है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, या फिर कुटी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम, इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। इन्हें डालकर हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी, और यहाँ पर पानी डेढ़ कटोरी लेंगे यानी 1.5 कप पानी लेना है। कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले, उसी से आप नाप कर डालें। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन्हें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे। तो जब पानी में उबाल आ जाए, इसके लिए हम लिड लगा देंगे ताकि जल्दी से उबल जाए पानी। पानी में उबाल आ गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से पानी उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी यानी रवा, और ये बारीक या मोटी कोई भी सूजी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और इन्हें थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और गैस का फ्लेम ध्यान रखिए कम रखिएगा। और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर बाद ही आप इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे ये बिल्कुल डो फॉर्म में तैयार हो जाएगा। पानी सारा सूख गया और सूजी काफ़ी फूल चुका है। और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सुखा लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसे अच्छे तरीके से गूंध लें। ये देखिए थोड़ा ठंडा होने देंगे, और हमें यहाँ पर सूजी को बिल्कुल ठंडा होने नहीं देना है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो सूजी बिखरने लग जाएगा। ये हल्का सा गुनगुना है, इतना गुनगुना हो कि आप इसे अच्छी तरह से छू सकें, और हाथों की सहायता से इसे मसलते हुए हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। सूजी को अच्छे तरीके से ज़रूर गूंदें। बिल्कुल गूंदने के बाद ये सूजी सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारे बॉल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट और कितना चिकना सा डो बनकर तैयार हुआ है, लग नहीं रहा है कि ये सूजी है। और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम निकालेंगे, इस तरह से छोटे छोटे बॉल तैयार करेंगे। छोटी 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 आप लोइयां निकालते जाएं और इसके बॉल बनाकर हम एक साइड में रखते जाएंगे। और ध्यान रहे बॉल को हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना हो। वैसे हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे गूंद लिया है, बॉल बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से सारे बॉल को हम तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से बॉल बनाकर स्टीम करके एयर टाइट डब्बे में भर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि जब आपको सर्व करना हो या फिर बच्चों को टिफ़िन में देना हो तो आप फटाफट इसे निकालिए और फ्राई करिए और बच्चों के लंच में पैक कर दीजिए, या फिर सुबह हो या फिर शाम की चाय हो, आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टीम करने की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने छन्नी में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि हमारे बॉल चिपक ना जाए। उसके बाद एक एक करके सारे बॉल को हम इसमें रख देंगे। थोड़ी बॉल को दूरी पर रखेंगे, इन बॉल में आपस में सोशल डिस्टेंस बना कर रखेंगे ताकि ये हमारे बॉल सुरक्षित रहें। मैं मजाक कर रही हूँ। बॉल को आपस में सटा कर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे, क्योंकि स्टीम होने के बाद बॉल थोड़ी फूल जाएगी और आपस में चिपक जाएगी तो इसका शेप भी खराब हो जाएगा। अब हम स्टीम होने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था और पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम उसमें ये छन्नी इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो स्टीमर का यूज करें या फिर इसे आप इडली पॉट में भी स्टीम कर सकते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 15 मिनट के बाद हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। देख रहे हैं बॉल काफ़ी फूल चुके हैं, थोड़े बड़े बड़े हो गए। मैंने अलग अलग करके रखा था, फिर भी कुछ बॉल थोड़े थोड़े चिपक गए हैं। और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और आप देखेंगे बॉल का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना स्पंजी है। बिल्कुल ये लग रहा है जैसे रबर वाले बॉल हैं।
तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा चटपटा सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसके लिए एक चम्मच हम तेल लेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चम्मच तेल डालने के बाद हम इसमें तड़के के लिए इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सरसों के दाने। आप इसकी जगह जीरा ले सकते हैं या फिर राई के दाने भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें डाल लें, या फिर आप उड़द की दाल और चने की दाल भी डालकर आप भून सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालें या फिर डायरेक्ट इसे बिल्कुल प्लेन जीरा से भी तड़का लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो हमारे ये मसाले जल जाएंगे बहुत जल्दी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच सांभर मसाला, आप इसकी जगह मैगी मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी आप ले सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, नमक हमारे सूजी में थे लेकिन हमने यहाँ मसाले में थोड़ा सा डाल दिया है। कटी हुई कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक हमने काट कर लिया है और इन्हें डालकर हम जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए, क्योंकि मसाले में यहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं है तो बस जलने का डर रहेगा। हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये खड़े कड़ी पत्ते हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। मैंने इसीलिए काट कर और साबुत दोनों तरीके से डाला है। अभी हमने स्टीम किए हुए बॉल इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे बिना मसालों के भी तैयार कर सकते हैं, इसी तरह से थोड़े से जीरा वगैरह डाल करके आप इसे फ्राई कर लें, या फिर आप इसकी जगह चाट मसाला भी डालकर तैयार कर सकते हैं। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो उस तरीके से आप इसे फ्राई करें। 1 से 1.5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसे, बस थोड़ी देर अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी सूजी पका हुआ है, हमने इसे पका कर भी लिया था, बाद में स्टीम भी किया है, तो ये अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्पंजी और डिफरेंट सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर आप बच्चों को आप टिफ़िन में देंगे तो बच्चे खुश होकर के इसे फिनिश करके ज़रूर घर आएंगे और दोबारा बनाने के लिए फिर से कहेंगे। तो दोस्तों देखा, हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो हमारा ये चटपटा सा कम तेल मसालों में बनकर तैयार हो गया है स्पंजी सूजी के बॉल, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी तरह से कोई आसान सी रेसिपी फिर लेकर आऊँगी, तब तक आप इंजॉय करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।